पता नहीं कौन सा डेरा है, किधर है, बताया तो था, ऐसे ही दिखाया था, साइड में ही है, रोड साइड में ही, इधर गली गया हुआ है उधर, तो देखते हैं चलकर आगे पता लगाते हैं। विकास भैया मैं आ रहा हूँ, सुहाना बेटा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट ले करके, तुम टेंशन मत लेना सुहाना, मैं तुम्हारे लिए जो है बहुत सारा गिफ्ट ले लिया हूँ और मैं आ रहा हूँ। विमला भाई, विमला दीदी, विकास भैया मैं आ रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं हमारा ये अगला ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आज निकल पड़ा हूँ, और निकल कहाँ पड़ा हूँ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं आज निकल पड़ा हूँ विमला विकास भाई से मिलने। जैसे ही हमें पता चला है कि वो मुंबई के आसपास में, उन्होंने डेरा ले लिया है दरभंगा में, वो शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए जो है आज निकल पड़ा हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि वो उनसे मिलते हैं या नहीं, उनसे मैं मिल पाता हूँ या नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा एड्रेस नहीं दिया है, मब्बी आसपास का एड्रेस दिया है, और वो जहाँ रोज़ सब्जी लेते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाऊँ और उनसे पता लगा करके उनके डेरा तक पहुँचूँ और उनसे मिलूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से उत्सुकता है, मैं उनसे मिलना चाह रहा था, जिसमें मैं असफल रहा। दरभंगा में वो एक बार रात के समय पानी पूरी खाते हुए मिले थे, आप लोगों को पता होगा, चूँकि वो एक अपने ब्लॉग में इस चीज़ को मेंशन भी किया था, उन्होंने बोला था कि मेरा एक सब्सक्राइबर, एक फॉलोअर जो है अभी मिला हुआ था, मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। मेरी पत्नी बार बार कोशिश करी, मेरे से रिक्वेस्ट करी, कई बार बोली उसने कि चलिए मिलते हैं, वही हैं विकास भैया ही हैं। मैं तो उनको पहले जानता भी नहीं था, कभी देखा नहीं था, लेकिन वो देखती थी वीडियो, तो वो बता रही थी कि हाँ वही है, चलिए मैं उनसे मिलता हूँ। मैं बहुत ज़िद करी लेकिन मैं वहाँ मना कर दिया, मेरे कंधे पर बुआ था मेरा और रात 8 बज गया था, मैं होटल खोज रहा था, मुझे ठहरना था वहाँ, तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। मैं उन्हें कई बार कमेंट करा और उनसे मिलने की कोशिश करी, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर बात करने के लिए बताया। वो अच्छे लोग हैं, वो दोनों काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी रियल लाइफ में। देखिए स्ट्रगल हर कोई करता है, मैं भी अंदर से टूट चुका हूँ, मेरी भी बहुत अजीबोगरीब कहानी है, लेकिन मैं इतना जल्दी लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बयान नहीं करता हूँ, मैं अपने जो मेरा पेशा है उसमें लगा रहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं छिपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब समय क्या बताऊँ, ऐसा बीत रहा है कि जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं, तो ऐसे में लोग मदद भी नहीं करते हैं, और आज का जो ज़माना है क्या बताएं, हम लोग गाँव से हैं तो इस चीज़ को ज़रूर कोशिश करते हैं कि छिपा कर चलें, लेकिन क्या बताएं। तो आज हम निश्चित रूप से उनसे मिलकर ही लौटेंगे, ऐसा आशा और विश्वास है। तो विमला भाई मैं आ रहा हूँ, विकास भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ आधा घंटा समय दो, मैं भी इंसान हूँ और मेरी मदद करो, और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी, और आप भी ब्लॉग में मेंशन करना, मुझे लेना, आप भी ब्लॉग बनाना मेरे साथ, मैं भी आपके साथ ब्लॉग बनाऊँगा और दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, आगे साथ में रहेंगे, दोस्त भाई की तरह रहेंगे, यही कामना आशा है। मैं आ रहा हूँ भाई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो विकास भाई हम अभी पहुंच गए हैं बेनीपट्टी आसपास, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने मब्बी, वहाँ आके आपको ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आपको ढूंढ पाता हूँ या नहीं। मैं आपसे मिलकर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा, और सुहाना मेरी जो भतीजी है, काफ़ी उसका मैं वीडियो में सुहाना का ही देखता रहता हूँ, सुहाना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी भी बेटी है सेम उसी के एज की, तो मैं आ रहा हूँ।